सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा ब्लॉग है, वो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, एनएस बोर्ड के अक्टूबर 2022 वाले बच्चों के लिए बेसिकली। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के क्या हाल चाल हैं, एंड इसके अलावा आपकी जो स्टडी है वो कैसी चल रही है। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गोद में एक तन्नी सी स्टूडेंट भी बैठी हुई है, एंड हर नेम इज हिप्पी। हिप्पी हाय तो बोलो सबको। कैसे हो आप सब? आपका नाम हिप्पी है। पूरा नाम क्या है आपका? इफ्जा है तेरी। तो आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों से? क्या बोलोगे? चलो ठीक है, अभी आप जो है खेलो, ठीक है? तो मैं अभी जो है हिप्पी को भेजती हूँ, तब आपसे बात करूँगा। बाय। अभी हम बात कर लेते हैं एनएस बोर्ड के अक्टूबर 2022 वाले बच्चों के बारे में। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी 2 से 3 दिन पहले आप लोग की जो डेट शीट है उसको रिलीज कर दिया गया है। डेट शीट किस चीज़ की है? प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आपकी स्टडी रिलेटेड भी, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। एंड हाँ, अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, हो सकता है बैकग्राउंड में से आपको आवाजें आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल की। 16 सितंबर से आप लोग के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, है ना? तो प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारे आपके मन में कंफ्यूजन है, लाइक प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल के इतने इतने बड़े सॉल्यूशन कहाँ से तैयार करें, इसके अलावा के प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, और प्रैक्टिकल क्या बहुत ज़्यादा टफ होता है या नहीं, मतलब इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं। तो कोशिश करूँगी कि कुछ डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करूँ। बाकी प्रैक्टिकल पर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे मेन चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, जहाँ से आपको एनएस बोर्ड की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात कि 16 सितंबर से आप लोग के प्रैक्टिकल हो रहे हैं शुरू, ठीक है? तो प्रैक्टिकल की फाइल आप किस तरीके से बनाएं? प्रैक्टिकल की जो फाइल जब आप बनाओगे, तो उसमें बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने को दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मान लो किसी भी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल में 30 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, तो आपको सारे के सारे नहीं करने होंगे, ठीक है? अगर मान लो आपको 30 दिए हुए हैं, तो 30 में से आप मिनिमम 15-20 प्रैक्टिकल कर लीजिए, दैट्स इनफ। इसके अलावा ऐसे अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 15 जो है प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, तो आप मुश्किल से उसमें से 10 से 11 प्रैक्टिकल बना लो, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। प्रैक्टिकल की जो सॉल्यूशन वो हमें कहाँ से मिलेंगे, इसका आंसर भी है मेरे पास। अगर इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर कहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 7303838500। हमारी पूरी टीम है जो आपकी हेल्प करेगी, आपको प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। आप हमारे ऐप पर जाकर भी प्रैक्टिकल वहाँ से ले सकते हो, ऐप कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिकल परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिकल जितने भी हैं, वो एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू हम लोगों ने बनवाए हैं, काफी अच्छे अच्छे मार्क्स वहाँ से बच्चों को मिलते हैं, तो आप इजिली अपने प्रैक्टिकल वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा? देखो, आपसे वाइवा लिया जाएगा वहाँ पर, इसके अलावा आपकी फाइल सबमिट होगी, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको हमारे मेन चैनल जिसका नाम पाई स्टडी सर्कल है, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी कि मैं प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, कैसे आपको वाइवा की क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है या नहीं। तो ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिकल की बात। तो प्रैक्टिकल देखो, अभी आपको पता है प्रैक्टिकल भी आपके 2 दिन तक चलेंगे। हॉल टिकट आपका आ जाएगा लगभग 1 हफ्ते पहले, जब आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे उससे लगभग 1 हफ्ते पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके मन में केवल और केवल प्रैक्टिकल को लेकर ही चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है। चाहे आप दिन में थोड़ा पढ़ें, बट रेगुलर पढ़ें। अक्टूबर में आप लोगों के एग्जाम है, सो बिफोर द एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर। मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना है, और अच्छे से मतलब फोकस करना है, तैयारी करनी है। तैयारी जीत की होनी चाहिए कि हाँ भाई, हमें अच्छा स्कोर करना है। तो आप पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हम लाखों बच्चों की हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस हमने यूट्यूब पर करा रखा है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का। एंड आई थिंक के एनआईएस बोर्ड के बच्चों को इतना ज़्यादा सिलेबस किसी ने भी नहीं पढ़ाया अब तक, जितना पिछले 2-3 साल में हम लोग पढ़ा चुके हैं।
तो इवन काफ़ी सारे ऐसे सिलेबस हैं, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से घर बैठे आराम से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा पूरा सिलेबस ईजिली पढ़ सकते हो, हर एक चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। तो अगर अभी तक आपने दूसरे चरण को विजिट नहीं किया है, आप पढ़ाई के लिए इधर उधर भटक रहे हो, तो प्लीज़ भटकना बंद करिए, वाइस स्टडी सर्कल चैनल को विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए, कोई नया सिलेबस आपको शुरू कराना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं ऑल दी सब्जेक्ट्स की। तो आई होप ये जो आपका प्रैक्टिकल को लेकर के डाउट्स था, मैंने कोशिश की तो यहाँ पर क्लियर करूँ। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें, डेली पढ़ें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ें एंड पॉजिटिव माइंड से पढ़ें। ऐसा कभी ना सोचें कि हाँ हम मतलब नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा टफ है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। डाउट हो, कहीं कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी टॉपिक पर वीडियो या ब्लॉग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड माय स्टडी सर्कल को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।